देवास आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में देवास का आबकारी विभाग देशी विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा के अवैध परिवहन, क्रय और विक्रय पर सतत कार्यवाही कर रहा है। देशी विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रूप से निर्माण कर विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मुखबिर की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने उज्जैन रोड से एक्टिवा पर ले जाई जा रही 4 पेटी बियर जब्त की है, जहां 2 आरोपी देवेंद्र पिता राम सुदाम पांडे उम्र 32 निवासी चंदाना व राघवेंद्र पिता सुभाष सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी चंदाना को विदेशी शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक्टिवा भी जब्त की गई है। जानकारी देते हुए निधि शर्मा ने बताया कि शराब ठेकेदार के ठेके से ले जाई जा रही थी, जो कि अवैध परिवहन के अंतर्गत आती है। इस मामले में ठेकेदार पर भी कार्यवाही की जाएगी। आज हम लोग गश्त में थे, तभी सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी पर अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। गाड़ी नंबर उन्होंने बताया, हम लोग रास्ते पर आए और उज्जैन रोड पर हमको वो वाहन आता हुआ दिखाई दिया, एक्टिवा थी। उसको रोका, 2 आरोपी थे उसमें, उसकी तलाशी ली तो 4 पेटी बियर हमको उसमें से प्राप्त हुई और बियर को जब्त किया और आरोपी दोनों के खिलाफ हमने प्रकरण कायम किया। क्या मतलब ये ठेकेदार की शराब थी, कहीं सप्लाई करने जा रहे थे या फिर पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे थे? अभी उनसे बयान लिए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि हमें किसी ने दी थी और प्रकरण विवेचना जारी है और विवेचना पूर्ण होने पर हम आपको बाकी जानकारी दे देंगे।